देखिए, भाजपा ने जहां सियासी रणभूमि में सबसे बड़ा रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में विरोधियों को सीधी चुनौती दी। अखिलेश यादव खुद भदोही पहुंचे। यहां शिक्षक दिवस के मौके पर सपा ने शिक्षक शिक्षा मित्र घेरा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुभते हुए हमले किए। अखिलेश ने कहा कि 2022 के चुनाव में सपा सबसे आगे रहेगी और जीत तय। अखिलेश यादव का पूर्वांचल चैलेंज, समाजवादी शिक्षकों के बीच सियासत की क्लास। पूर्वांचल में अखिलेश यादव की विजय भविष्यवाणी। यहाँ पर किसान भी है, शिक्षक भी है, नौजवान भी है। अगर आवाज वहां से उठ रही है तो यहाँ से भी आवाज उठ रही है। यहाँ आने वाले समय में मतदान होते रहेगा। अखिलेश यादव ने बार बार टंके की चोट पर दोहराया कि 2022 में जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने सपा के इस शिक्षक सम्मेलन में टीचर्स का भी मुद्दा उठाया। भदोही में अखिलेश यादव कहने को तो समाजवादी शिक्षकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे, लेकिन जुबान पर बार बार किसानों का जिक्र था। अगर लाखों लाख किसान वहां पर हैं, तो लाख से कम यहां भी नहीं दिखाई दे रहे। लाखों किसान इसके इकट्ठा हो गया क्योंकि जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। किसानों के जो फैसले हो रहे हैं, जो किसान भदोही में अखिलेश ने भाजपा सरकार पर कालीन उद्योग की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों के फैसले हो रहे हैं, उससे ना हमारे केवल किसानों की खेती छीन जाएगी। अगर वो कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीनें भी छीनने का काम होगा। अखिलेश के संदाज ने साफ कर दिया है कि सपा अब पूर्वांचल में आर पार के लिए पूरी तरह से एक्शन में है और आने वाले दिन बड़े घमासान के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।